नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल थ्रेड वाईटी में और हमारे आज के इस नए वीडियो में। तो गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक इमली फ्लेवर्ड इमली बॉल जेली कैंडी। तो इसके बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और इस इमली फ्लेवर वाले प्रोडक्ट के लिए एक लाइक तो बनता ही है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए हमारे वीडियो को, और साथ ही में अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे इस नीचे में जो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है उसे दबा के हमें चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए ताकि हम आपके लिए और भी एक से एक वीडियोज़ ला सकें। खैर, अब दोस्तों हम आते हैं इसके ऊपर, इस प्रोडक्ट के ऊपर आते हैं। और सबसे पहले बता दूँ कि इसको मैन्युफैक्चर करने वाली जो कंपनी है उसका नाम है आपका तापी फ्रूट प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड, गुजरात इंडिया से। और ये जो है ये आपकी एक इंडियन कंपनी है, तो ये प्रोडक्ट भी एक आपका मेड इन इंडिया है। खैर, ये तो हो गया इसके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी और जो इसको बनाती है। अब हम आते हैं इसके प्राइस के ऊपर। तो गाइस, इसकी जो प्राइस है वो है ₹1 में आपको मार्केट में इजली अवेलेबल है। ओके, और अब हम बात करते हैं इसके वेज और नॉन वेज की। तो गाइज, ये एक वेज प्रोडक्ट है, यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो यहाँ पे आपका वेज का साइन दिया हुआ है, ये देखिए। ठीक है दोस्तों, तो ये है आपका एक वेज प्रोडक्ट। अब दोस्तों आते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स के ऊपर। तो गाइज, इसके जो इंग्रेडिएंट्स है उसमें आता है आपका सबसे पहले तो शुगर, फिर लिक्विड ग्लूकोज, उसके बाद इसमें आपका 25% रहता है आपका टर्मराइड यानी कि इमली का पल्प यानी कि गूदा। तो इमली का पल्प आपको 25% रहता है, और साथ ही में इसमें आपका एसिडिटी रेगुलेटर और पेक्टिन भी इसमें रहता है। और दोस्तों इसमें फ्लेवरिंग के लिए जो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंस, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फ्लेवरिंग सब्सटेंस आपका टर्मराइड यानी कि इमली का रहता है। तो चलिए अब हम इसे ट्राई करते हैं दोस्तों, क्योंकि इसके इंग्रेडिएंट्स तो हमने आपको बता दिया है। तो चलिए दोस्तों अब हम इसे ट्राई करते हैं और देखते हैं ये कैसा है। अगर आपने में भी कभी पहले ट्राई किया है तो नीचे जो कमेंट सेक्शन है उसमें जाइए, कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा, आपके हिसाब से प्रोडक्ट कैसा है। और नहीं जानते तो देख लीजिए इस वीडियो में कि ये प्रोडक्ट कैसा है। तो गाइज, ये रहा, हमने प्रोडक्ट को खोल लिया है। तो ये देखिए, ये हमारा प्रोडक्ट है गोल सा जेली बॉल, ठीक है। और इसमें जो है, इसमें जो चीनी लगा हुआ है यहाँ पे मेरे हाथ में जो थोड़ा सा आ गया, आप देख सकते हैं हल्का हल्का चीनी का दाना, शुगर का दाना, तो चीनी का दाना आ रहा है। और जेली में बात करूँ तो ये इस तरह से इतना ही आपका हार्ड है जेली इसका, तो मतलब टूटी फ्रूटी टाइप से ही है इसका जेली का कंसिस्टेंसी आपका, जैसे टूटी फ्रूटी होता है उसकी तरह ही है इसका। तो चलिए, ये तो हो गया इसके अबाउट, अब इसे टेस्ट करते हैं और देखते हैं कैसा है। तो गाइज, अब हम इसकी अगर टेस्ट की बात करें तो टेस्ट इसका काफ़ी अच्छा है। इसमें जो है आपका जो 25% जो इमली पल्प डाला गया है, तो उससे मुझे लग रहा है कि मतलब उस 25% इमली पल्प में ही मुझे लग रहा है कि मैं एकदम रियल इमली और उससे खा रहा हूँ। और अगर आप इसको खाएंगे तो हाँ, इसके जो टेस्ट है उससे आपका, जैसे हम लोग नॉर्मल नेचुरल इमली जो खाते हैं उसको खाने से आपका जो मस्त मुंह एकदम बन जाता खट्टा करके इमली खा के, तो वैसे इससे आपका मुंह फेस भी बन सकता है, ठीक है। तो गाइस, मतलब क्वालिटी में काफ़ी अच्छा है और टेस्ट भी इसका काफ़ी अच्छा है, और इसीलिए मैं इसे टेस्ट एंड क्वालिटी मिला के इसके मतलब टेस्ट में आपको इसके इसे मैं टेस्ट में
100 out of 99% दूंगा, और क्योंकि उसमें 99 इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि उसमें थोड़ा सा शुगर का भी टेस्ट आ रहा है एकदम हल्का सा, ठीक है। स्टार्टिंग में शुगर का टेस्ट आता है लेकिन जब आप उसे च्यू करते हो और जब इसका पल्प आता है तो एकदम मस्त इमली वाला फ्लेवर, रियल इमली जैसे हम लोग खा रहे हैं उस टाइप का एकदम मस्त खट्टा फ्लेवर आता है। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है और क्वालिटी भी इसकी काफ़ी अच्छी है। तो मुझे तो दोस्तों ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लगा, अगर आपको कैसा लगा आप भी नीचे कमेंट करके बताइए अगर आपने ट्राई किया है तो। और जिन्हें इमली ज़्यादा पसंद है, मतलब जो कि इमली लवर है, तो उनके लिए काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है टेस्ट करने के लिए खाने के लिए, तो उनके लिए तो काफ़ी बहुत अच्छा है। लेकिन जिन्हें इमली ज़्यादा पसंद नहीं है, जिन्हें इमली कम पसंद है, लाइट पसंद है, तो वो इस प्रोडक्ट को ट्राई मत करें चूँकि ये काफ़ी मतलब इमली का खट्टापन ज़्यादा है तो टेस्ट भी वैसे ही अच्छा है। तो ये हो गई दोस्तों प्रोडक्ट रिव्यू। अब बात करते हैं इसकी टिकाव की, मतलब ये कितना दिन रह सकता है। तो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग के बाद ये 12 महीने तक ये बिल्कुल ठीक रहेगा अगर आप इसे कूल एंड ड्राई एंड हाइजीनिक प्लेस में रखेंगे तो। ये आपका 12 महीने तक बिल्कुल ठीक रहेगा विद मतलब रैपर में अगर पैक रहा तो, ठीक है। और तो दोस्तों ये था हमारा आज का प्रोडक्ट रिव्यू ऑन इमली बल्ब वाला, इमली बॉल्स, इमली फ्लेवर्ड वाला, इमली बॉल जेली बॉल इमली का। तो जिनको भी अगर जेली खाना पसंद है और जेली में इमली फ्लेवर्ड चॉकलेट्स खाना पसंद है तो हाँ आप इसे बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा भी है। तो गाइज ये था हमारा आज का प्रोडक्ट रिव्यू, आई होप सो आपको भी हमारा ये आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो जल्दी से हमारे वीडियो को कर दीजिए लाइक, हमारे जो चैनल है उसको भी कर लीजिए सब्सक्राइब क्योंकि हम आपके लिए अलग से अलग प्रोडक्ट्स प्लस एक्सपेरिमेंटल एंड ट्रैवलिंग के वीडियोस लेके आते रहते हैं और इन फ्यूचर अच्छा मोबाइल आने पे गेमिंग वीडियोस भी आएंगे। और दोस्तों इसीलिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे जुड़ने के लिए सिंपल सा आपको करना है या हमारे चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, हमारे वीडियोस को करना है यहाँ पे लाइक बटन दिया हुआ है थम्सअप वाला उसको दबा के लाइक कर दीजिए। और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, 2 सेकंड लगते हैं इन दो चीज़ों को करने के लिए, तो बस ये कीजिए और हमारे यूट्यूब फैमिली के मेम्बर्स भी बन जाइए और हम आपके लिए एक से एक वीडियोज़ लाते रहेंगे। तो गाइस इसलिए जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छी भी लगती हो तो अपने दोस्तों साथ शेयर कीजिए और उन्हें भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस दीजिए। तो गाइस अब हम लेते हैं आपसे इजाज़त और ये रहे हमारे कुछ और वीडियोस और हम मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।